पहले 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर न्यू रेलवे लाइन बिछाते थे, आज कम से कम 12 किलोमीटर पर डे अश्विनी जी वैष्णव के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नेतृत्व में हो रहा है। ऐसे ही हमने जो हमारे डिपार्टमेंट में, इन द डिपार्टमेंट्स ऑफ माइंस एंड कोल, जो हमने बदलाव लाया, हमने ऑक्शन रिजीम लाया। पहले क्या होता था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता था, वो कोयला का हो या माइंस का हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो उस टाइम राज्यों को रेवेन्यू नहीं मिलता था। आज मैं बहुत प्रसन्न सा था ये कहने जा रहा हूं, आई वुड लाइक टू टेल विथ अटमोस्ट हैप्पीनेस इन द माइंड दैट हमने जो 2015 में ऑक्शन रिजीम लाया माइनिंग सेक्टर में, ऑक्शन रिजीम के बाद 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने बदलाव लाया, रिफॉर्म्स लाया, वो पहले 2014-15 में उड़ीसा का माइनिंग से रेवेन्यू था 5000 करोड़। मैं मेरा मीडिया बंधुओं को मैं आग्रह करता हूं, जो मैं फिगर बोल रहा हूं आप वेरीफाई कर सकते हो, 2014-15 में माइनिंग से रेवेन्यू होता था ओडिशा को 5000 करोड़, आज हो रहा है 50,000 करोड़, 50,000 करोड़। तो ये बदलाव मोदी जी का जो मार्गदर्शन है, मोदी जी का जो डायरेक्शन है, और मोदी जी का एक चिंतन है भ्रष्टाचार मुक्त भारत और डिस्क्रिशनरी मुक्त भारत। लेकिन फर्स्ट टाइम G20 में भारत उसका आतिथ्य दे रहा है, इसका अर्थ है भारत की तरफ लोग देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया के सभी देशों में अभी मंदी चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ भारत एक ही देश है, हमारा ग्रोथ भी अच्छा है, हमारा इंटेंशन भी अच्छा है, और इसीलिए मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये जो बदलाव आ रहा है, ये बदलाव ये डेवलपमेंट में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, गरीब के सेवा में हो, आप लोगों तक लेके जाइए, लोगों को ये समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि क्या बदलाव 8 वर्ष में आया है। ये कहते हुए मैं अश्विनी जी और धर्मेंद्र जी दोनों को मैं आपके तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जो बदलाव रेलवे में और जो बदलाव शिक्षा क्षेत्र में आ रहा है, तो ऐसे एक दो महारत्न को आपने देश के लिए दिया है उड़ीसा वाले, इसके लिए मैं आपको